कड़ी पकौड़े डिश नहीं, कड़ी पकौड़े तो एक प्यार है, एक इमोशन है। हमारे देश में हर घर में कड़ी पकौड़े अलग अलग स्टाइल से बनते हैं, चाहे वो मारवाड़ी स्टाइल हो, केरला स्टाइल हो या फिर पंजाबी स्टाइल हो, और उसमें भी हर घर में अलग अलग तरीके से। तो आज मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि बेस्ट कढ़ी कैसे बनती है, पर हाँ आज मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि आप एक अच्छी कढ़ी कैसे बना सकते हैं जिसमें दही ना फटे, पकौड़े भी सॉफ्ट हों और टेस्ट तो हमेशा कंसिस्टेंटली ही रहे। और यकीन मानिए मैं आपके साथ वो सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप अपनी कढ़ी को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सुपर स्पंजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और अगर आप इस तरीके से अपनी कढ़ी को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप दूसरों को भी कढ़ी बनाना सिखाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेरणा होम किचन। कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है और आधी कटोरी बेसन लिया है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें दही और बेसन किस रेशियो में लेना है। तो दही अगर हम एक कटोरी ले रहे हैं तो बेसन आधी कटोरी लेंगे। दही को हमें बेसन से जस्ट डबल लेना है, यानी कि दो गुना लेना है। और अब दूसरा सवाल आता है कि दही हमें कैसा इस्तेमाल करना है। तो कढ़ी में डालने के लिए दही हमें खट्टा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और फिर उसका यूज़ करिए। और अगर दही खट्टा नहीं है तो दही थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए कढ़ी में। अब हम मिक्सी में डाल देंगे दही और बेसन, साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर पानी हमें इस रेशियो में लेना है कि जितना बेसन है उससे जस्ट 10 गुना, मतलब मैंने आधी कटोरी बेसन लिया था तो पानी हम यहाँ पर डालेंगे 5 कप पानी। इन सबको मिक्स करके अच्छे से मिक्सी 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर मथानी से, बट उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। और अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो मिक्सी का इस्तेमाल करिए। बेसन को पानी और दही एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेस हमारा रेडी है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और तब तक पकौड़े बना लेंगे। पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। अब हम इसमें मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाइए, आधा चम्मच अजवाइन, अजवाइन को इस तरह से हाथ से मसल कर डालिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और 1 चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको आप ज़रूर डालिए। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने मिलाया है 2 पिंच हींग। हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, इसे स्किप बिल्कुल मत करें। और अब हम मिलाएंगे पानी। पानी हमेशा इंस्टॉलमेंट में मिलाइए, पानी एक साथ कभी भी मत मिलाएं वरना बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और अगर आप अच्छे पकौड़े बनाना चाहते हैं तो मेरी इन कुछ टिप्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली, बैटर को कभी बहुत ज़्यादा पतला मत करें वरना मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। दूसरी, इस बैटर का कलर देखिए, और अब जब मैं इस बैटर को पानी में डालूंगी तो ये डूब जाएगा, इसका मतलब अभी ये बैटर बनके तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इसमें हवा डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे और बैटर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेंटें। इससे ना सिर्फ इसमें हवा आती है बल्कि बेसन में स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसे कम से कम 5-6 मिनट के लिए फेंटते रहें। और ये देखिए, अब हमारे बैटर का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। और अब मैं जब इसको पानी में डालूंगी बैटर को, तो ये देखिए ये फ्लोट कर रहा है, ऊपर आ गया है तैर के। इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है पकौड़े बनाने के लिए। बैटर को ऐसे फेंटने के बाद ही अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर प्याज सब इसी टाइम पे मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पकौड़ों का बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इन्हें फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल, आप चाहें तो किसी भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अब हम हाथ से या फिर चम्मच की मदद से छोटी छोटी बॉल्स बना करके तेल में डाल देंगे। ध्यान रहे, पकौड़ों को हमेशा धीमी आँच में पकाएं, इसलिए फ्लेम यहाँ पे हमेशा मीडियम लो रखें ताकि ये धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से पक सकें। और ये जितना धीमी आँच में पकेंगे पकौड़े अंदर से उतना ही स्पॉन्जी और उतना ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगे।
और ये देखिए मैंने इनको फ्राई किया है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो गए हैं, और अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखिए इनकी आवाज़ बता रही है कि ये कितने क्रिस्पी और कितने स्पॉन्जी बने हुए हैं। और हम ऐसे ही सारे पकौड़ों को तल लेंगे धीमी आंच में, और जैसे ही ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे पकौड़े कितने सुपर स्पंजी सुपर क्रिस्पी दिख रहे हैं। और अब मैं आपको एक पकौड़े को कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितने अंदर से सॉफ्ट हैं। इनका बैटर क्योंकि इतना अच्छा बना हुआ था और इतने अच्छे से इनको धीमी आंच पे तला गया है इसलिए ये इतने अच्छे से सॉफ्ट हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने पकौड़ों को बनाएंगे और जब ये पकौड़े आपकी कढ़ी में पड़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से कढ़ी का पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार होंगे। तो पकौड़े हमारे बन चुके हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो भगोने का या किसी और बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जो भी बर्तन का इस्तेमाल करें वो बर्तन हैवी बॉटम होना चाहिए, क्योंकि जब हम कढ़ी को ताड़ेंगे तो कढ़ी उसमें जलनी नहीं चाहिए। कढ़ी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म होते ही मैंने इसमें थोड़ी सी 2 पिंच हींग डाली है, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, थोड़ा सा मेथी दाना और 1 चम्मच खड़ी धनिया जिसको मैंने कूट के डाला है, साथ ही साथ करी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेंगे और जब अच्छे से इसमें महक आने लगे तो जो हमने बेस तैयार करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो 4 कप पानी का इस्तेमाल तो मैं बेस बनाने के टाइम पे कर ही चुकी थी, बचा हुआ 1 कप का इस्तेमाल अब करेंगे। बचा हुआ 1 कप पानी हम मिक्सी जार में डालेंगे और उसमें का जितना भी मसाला है वो हम अपनी कढ़ी में शामिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे कढ़ी को 10 मिनट तक लगातार चलाना है हाई फ्लेम पे। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसन को दही के साथ इमल्सिफाई जुड़ने में वक्त लगता है, इसलिए कढ़ी को लगातार चलाते रहना है। और अगर हम कढ़ी को नहीं चलाएंगे लगातार तो बेसन नीचे बैठ जाएगा और हमारी कढ़ी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने यहाँ अभी कढ़ी में नमक नहीं मिलाया है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम नमक अभी मिला देंगे तो कढ़ी हमारी फट सकती है, इसमें जो दही पड़ा है वो फट सकता है, इसलिए जब उबाल आ जाएगी तब हम कढ़ी में नमक मिलाएंगे। ये देखिए कढ़ी को लगातार 10 मिनट तक चलाने के बाद हमारी कढ़ी में उबाला आ गया है और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक मैं 1.5 चम्मच ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और अब हमें अपनी कढ़ी को अच्छे से पकाना है। पकाते वक्त ये ध्यान रहे कि जब हम इसमें ढक्कन लगाएं तो ढक्कन पूरा मत ढकें वरना कढ़ी बाहर आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें और इसे मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट पकने दें। बीच बीच में चलाते रहें और ऐसे ही बीच बीच में ढक करके पकाते रहें। इन टोटल आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरी तरीके से कढ़ी को बनाने में। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कढ़ी तड़ गई है? तो सबसे पहले कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी और साथ ही साथ कढ़ी के ऊपर एक मलाई सी आ जाएगी और कढ़ी में एक अलग सी चमक आ जाएगी। तो बस यहीं पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए क्योंकि कढ़ी हमारी बन चुकी है। तो अब हम अपनी गर्मा गर्म कढ़ी में पकौड़ों को डाल देंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि पकौड़े हमारे कढ़ी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे बबल्स ये देखिए दिख रहे हैं। तो वैसे तो हमारी कढ़ी पूरी बन चुकी है, आप चाहें तो कढ़ी को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर अगर कढ़ी में एक तड़का लग जाए तो कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तड़के से पहले हम कढ़ी में थोड़ी सी कसूरी मेथी मिलाएंगे, आप चाहें तो हरा धनिया भी मिला सकते हैं। तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच बटर लिया है, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हींग साथ ही साथ लाल मिर्च डाली है, कटी हुई हरी मिर्च, और ये सब जैसे ही चटकने लगे इसमें थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे और फटाफट से इनको ले जा करके कढ़ी में मिक्स कर देंगे और कढ़ी का ढक्कन फटाफट से बंद कर दें ताकि इसकी जितनी भी महक है वो कढ़ी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए।
और ये हमारी परफेक्ट कड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब पकौड़े भी देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं, ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब फटाफट से इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पंजी एंड सुपर डिलीशियस कड़ी पकौड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसको बनाना तो बहुत आसान है ही, साथ ही साथ इसका स्वाद जब आप एक बार खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़े अगर स्टीम्ड राइस के साथ मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो ऐसी ही अमेजिंग और सुपर सॉफ्ट स्पंजी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।